आप सोच रहे हो कि मैं गोनी क्यों लेके आया हूँ, ये है हमारे देश के इंजीनियर्स, एक बुलाओगे तो एक गोनी भर के आते हैं इंजीनियर्स। अब आप सोच रहे हो कि मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, तो बैक इन द डेज व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ मैकेनिकल इंजीनियर अराउंड 2013-2014 की बात है, आई वाज वर्किंग इन अ जर्मन बेस्ड कंपनी, तो वहाँ पे एक बार वॉक इन इंटरव्यू हुआ था। अभी वॉक इन इंटरव्यू हुआ तो संडे को वॉक इन था, एंड कैन यू गेस कितने लोग आए थे इंटरव्यू के लिए? एक गेस कर दो, चलो एक गेस कर दो। कर लिया गेस? बताता हूँ, 1800 लोग आए थे एक दिन में वॉक इन इंटरव्यू के लिए, एंड दे वर ऑल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, मैकेनिकल इंजीनियर, पाइपिंग इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इतने सारे इंजीनियर्स आए थे, बट एक दिन में 1800 लोग आए थे इंटरव्यू देने के लिए। अभी आप सोच रहे हो कि ये मोटो व्लॉगिंग से रिलेटेड बात करता है तो ये इंजीनियरिंग के रिक्रूटमेंट में कहाँ से घुस गया? बताता हूँ ये भी बात। अगर आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा तो मैं स्नो चेंज के लिए मैं रॉ मटेरियल लेके आया था तुलबे जाके। अब रॉ मटेरियल लेके आया हूँ तो बनाना भी पड़ेगा, तो कल मैं निकला वेल्डर की खोज में। सबसे पहले मैं गया एक वेल्डर के पास, उसने देखा समझा, मैंने उसको बताया कि मुझे स्नो चेन बनाना है, उसने देखा समझा और मुझे बोला कि एक काम करो, मैं ये नहीं बनाऊंगा, आप है ना सामने वाले वेल्डर के पास चले जाओ। सामने वाले वेल्डर के पास गया मैं, उसने काम देखा एंड उसने मुझे बोला कि मैं इस पे इसको नहीं बनाऊंगा, मैं दूसरे काम में बिजी हूँ, आप इधर चले जाओ। तीसरे जगह गया मैं, उसने बोला कि अभी बहुत बिजी हूँ, नहीं बना पाऊंगा, आप दूसरे जगह देख लो। मैं चौथे जगह गया मैं, उसने बोला बनाऊंगा लेकिन 5 दिन के बाद, क्योंकि जो स्टील वेल्डर है वो दूसरे साइट पे काम कर रहा है और 5 दिन के बाद आने वाला है। उसके बाद मैं छठे जगह पे गया, उसने बोला कि सॉरी मैं स्टील का वेल्डिंग करता ही नहीं हूँ, अगर आयरन वेल्डिंग है तो वो मैं कर दूंगा, स्टील वेल्डिंग मैं नहीं करता हूँ, चलो एग्रीड। सातवें जगह पे जाके मुझे एक भले मानुस मिले जिनका नाम था उदय भाई, और उदय भाई ने बोला ठीक है मैं आपका काम कर दूंगा लेकिन आज मैं दूसरे काम में बिजी हूँ, आप कल आ जाओ। तो ये बात थी कल की। तो आज मैंने उदय भाई को कॉल किया और उदय भाई को मैंने बोला कि क्या उदय भाई मैं आ जाऊँ स्नो चेन बनवाने के लिए, तो उदय भाई ने बोला ठीक है आ जाओ। जस्ट इमेजिन, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स स्पेंडिंग लैक्स ऑफ रुपीज इन टू देयर एजुकेशन, 4 साल का पढ़ाई, इतना स्ट्रेस, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, और एक दिन में 1800 लोग आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, वॉक इन होता है तो। और यहाँ पे इफ़ यू लुक फॉर अ इलेक्ट्रीशियन, इफ़ यू लुक फॉर अ प्लम्बर, इफ़ यू लुक फॉर अ वेल्डर, ईजिली कोई भी अवेलेबल नहीं होता है। तो इसी रीज़न से मैंने बोला एक इंजीनियर को बुलाओगे तो एक गोनी इंजीनियर आते हैं। तो आज के वीडियो में हम जाने वाले हैं स्नो चेन बनाने के लिए। 2 बाइक्स के स्नो चेन बनाऊंगा पीछे के टायर के, एक तो अपनी डोमिनार 400 है और दूसरी है अमन भाई की जावा 42। तो ये दोनों का स्नो चेन हम आज बनाने वाले हैं। पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मैं स्नो चेन्स को बना रहा हूं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और डायरेक्टली आपको मिलते हैं उदय भाई के दुकान पे। फाइनली मैं उदय भाई के दुकान में आ गया हूँ। यहाँ पे मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरा प्रोसेस की स्नो चेन है ना कैसे बिल्ड करने वाला हूँ। अभी मैंने टायर का मेजरमेंट ले लिया, सिर्फ पीछे वाले टायर में स्नो चेन बनवा रहा हूँ मैं। तो अभी माप लेके हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि 2 पट्टा निकालेंगे, एक पट्टा 5 फीट का एक रहेगा, दूसरा भी 5 फीट का अपन चेन लेंगे और बीच से अपन उसको कनेक्ट कर देंगे। सो बीच का जो कनेक्ट करने वाले हैं वो लिंक का मेजरमेंट है वो अराउंड 20 सेंटीमीटर रखेंगे मिनिमम, और फिर बाद में अपन देखेंगे एंड में कि क्लैंप कैसे करना है। क्लैंपिंग का बोल्ट भी मैं लेके आया हूँ इनकेस, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि क्लैंप के लिए मैं नट और बोल्ट यूज़ करने वाला हूँ। ये हमारे उदय भाई, क्या बोलते हैं उदय भाई? हाँ सब ठीक है? ठीक है बढ़िया। कितना साल हो गया आपको दुकान में? लगभग 10 बरस हो गया। 10 साल हो गया। किधर से आप? यूपी से बिलोंग करते हैं। तो अभी मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि स्नो चेन कैसे बिल्ड कर रहा हूँ। मटेरियल और प्राइस का जो है वो मैंने प्रीवियस व्लॉग में डाल दिया था, वो आप चेकआउट कर लेना, मैं आई लिंक डाल दूंगा। एसएस का यही फायदा है, जल्दी मुड़ता नहीं है ना? नहीं, एसएस का चेन का यही बेनिफिट होता है, जल्दी मुड़ता नहीं है। इसके लिए रनिंग कंडीशन में ना थोड़ा हार्श कंडीशन भी आ जाएगा ना स्नो रीजन में अपने को, तो चेन का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा बेटर होता है एसएस के केस में। अगर आप 20 सेंटीमीटर का अगर आप लिंक देखोगे तो 7 लिंक आ रहा है चेन का, 1 2 3 4 5 6 7। अभी एक एंड में यहाँ पे लगा दूंगा और एक एंड उधर लगा दूंगा और फिर बीच में अपन डिस्टेंस देखेंगे कि कितना गैप में अपने को लगाना है। अपना एम क्या है कि
मैक्सिमम अपने को ट्राई करना है कि ज्यादा से ज्यादा लिंक रहे ताकि स्ट्रेंथ बरकरार रहे, ताकि ऑफ रोडिंग के टाइम पे धोखा नहीं दे दे चेन, बिकॉज बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि ज्यादा हार्श कंडीशन में स्नो चेन धोखा दे देता है, और अपने को स्नो चेन धोखा दे दे ये अपन अफोर्ड नहीं कर सकते. लेट्स सी कैसा चलता है. अभी तो मैं राइड पे जब जाऊंगा तभी बताऊंगा कि एस एस 202 का जो स्नो चेन है उसका परफॉर्मेंस कैसा है. अभी बनाने का काम करते हैं फिलहाल. अच्छा ये एस एस 304 है क्या? ओके एस एस 304 का रॉड है. मैंने आपको ना लास्ट ब्लॉग में बताया था एस एस 304 का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, तो जो वेल्डिंग का जो रॉड यूज़ हो रहा है दैट इज़ एस एस 304. उदय भाई का ना दुकान का कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल है, एड्रेस भी मैं डाल दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगा. सो इनकेस अगर आप स्नो चेन बिल्ड कराने का देख रहे हो तो उदय भाई के पास आ जाना ज़रूर. अभी अपन ने एक लिंक से कनेक्ट कर दिया ये बाजू, और एक लिंक से वहाँ पे अपन ने कर दिया. वेल्डिंग भी हो गया इसका. अभी सिर्फ अपने को बीच से ऐसे कनेक्ट करते जाना है. अमन भाई अभी है ना राजस्थान राइड कर रहे हैं, इसीलिए मैंने अमन भाई को बोला काम करो तुम राइड पे बिजी रहो, मैं स्नो चेन का काम करवा देता हूँ. तो आज के ब्लॉग में मैं क्या करूँगा, डोमिनार का मेजरमेंट भी बता दूंगा स्नो चेन का, और जावा का भी मैं बता दूंगा. अभी डोमिनार का बता देता हूँ कितना है. देख लो सिंपल एकदम, ये जो है दिस इज 20 सेंटीमीटर, और ये जो हमने लिया है ये 5 फिट है. अभी दोनों साइड से अपन ने ज्वाइन कर लिया है. ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना बड़ा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है. अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से वहाँ तक का ना डिस्टेंस माप के एक इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग है ना ये ऐसा पट्टा लगाते जाएंगे और वेल्ड करते जाएंगे. एक मिनट है, अभी देखो अमन भाई के साथ है ना मेरा वीडियो कॉल चल रहा है. अभी अमन भाई जैसलमेर का मजा ले रहे अभी. ये देख लो ये अमन भाई जैसलमेर में मजा ले रहे हैं. कितना टेम्परेचर कितना है जैसलमेर का अभी? मेरे अभी मैंने चेक नहीं किया है, शायद 37 या 38 ही होगा. 37-38 टेम्परेचर चल रहा है अभी जैसलमेर का. अरे अमन भाई मैं क्या बोल रहा था, आपका जो टायर का जो मैं भी स्नो चेन बनवा रहा हूँ. चलो अमन भाई राइड एंजॉय करो अभी. ओके ब्रो. चलो बाय बाय. फाइनली अपना डोमिनार का पीछे का टायर का वस्त्र रेडी हो गया है. ये लो फाइनली स्नो चेन रेडी. एक बार मैं इंस्टॉल करके भी देखूंगा और क्लैंप भी लगा के देखूंगा नट बोल्ट कैसा होल्ड ले रहा है टायर का, और अगर इन केस अगर 19-20 हुआ तो अपन चेंज कर देंगे. फिर ऊपर से फाइनली भाई अपना डोमिनार का हो चुका है, डोमिनार का स्नो चेन का काम हो चुका है. उदय भाई ने पूरा हेल्प कर दिया एंड वेल्डिंग सब हो चुका है, स्नो चेन तैयार हो चुका है. अभी मैं अमन भाई का जावा का तैयार करूंगा, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे. अमन भाई से मैंने मेजरमेंट ले लिया था पीछे टायर का, तो सेम चीज़ फॉलो करेंगे, और जावा का अभी स्नो चेन तैयार होगा. तो सेम प्रोसेस है, वो चीज़ दिखाने का मतलब है नहीं. सो वीडियो को मैं करता हूँ इधर ही दी एंड. आज का वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. कहाँ पे ना एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर देना, ताकि मैं नए वीडियोस डालूंगा तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे. सो इसी नोट पे मैं वीडियो को करता हूँ दी एंड. अंटिल देन दिस इज शाहरुख खान साइनिंग ऑफ. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.